1950 में आज ही के दिन अमेरिका में अपालेचियन तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही थी। न्यू हैम्पशायर और न्यू इंग्लैंड में भारी बारिश भी हुई। अमेरिका के पूर्वी तट पर आए इस तूफान से कम 22 राज्य प्रभावित हुए। कुछ जगहों पर तो बर्फ की मोटी परतें जम गई थी। तूफान के बाद पारा शून्य से कई डिग्री नीचे चला गया और इसकी चपेट में आने वाले 350 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी हुए। 24 नवंबर से शुरू हुआ तूफान लगभग 6 दिन कहर ढाने के बाद 30 नवंबर को धीमा पड़ा था। अपालेचियन तूफान की वजह से हुए नुकसान के बाद अमेरिकी बीमा कंपनियों पर बुरा असर पड़ा। बीमा कंपनियों को मुआवजे के तौर पर 6.5 करोड़ डॉलर से ज्यादा देने पड़े, जो इससे पहले किसी भी तूफान के दौरान चुकाए गए मुआवजे से बहुत ज्यादा था। 1963 में आज ही के दिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे ली हार्वे ऑसवाल्ड की हत्या कर दी गई थी। ऑसवाल्ड को पुलिस मुख्यालय से जेल ले जाने का टेलीविजन चैनलों पर सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा था, तभी एक आदमी ने ऑसवाल्ड पर गोली चला दी। बाद में पता चला कि ऑसवाल्ड की हत्या करने वाले डलास नाइट क्लब के मालिक जैक रूबी थे। रूबी को 1964 में हत्या का दोषी करार दिया गया। 1967 में कैंसर के कारण जेल में उनकी मौत हो गई। ली हार्वे ऑसवाल्ड को दो दिन पहले यानी 22 नवंबर को राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या के घंटे बाद गिरफ्तार किया गया था। में चेकोस्लोवाकिया में तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी के पूरे नेतृत्व ने आज ही के दिन सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद देश में जनतांत्रिक सुधारों के लिए रास्ता साफ हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख मिलोस जैक्स ने आपातकालीन बैठक बुलाई और पोलित ब्यूरो के सभी 24 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। इस आंदोलन के नायक अलेक्जेंडर डबसेक निर्वासन से देश लौट आए और राजधानी प्राग में उनका जोरदार स्वागत किया गया। करीब 2.5 लाख लोगों को संबोधित करते हुए डबसेक ने कहा, मानवीय चेहरे के साथ समाजवाद के मेरे सिद्धांतों को नई पीढ़ी ने स्वीकार किया है, इसके लिए उनका धन्यवाद। एक महीने के बाद अलेक्जेंडर डबसेक को नए प्रशासन का प्रमुख चुना गया और वैक्सलेव हैवन को तत्कालीन राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इसके साथ ही चेकोस्लोवाकिया में वेलवेट क्रांति पूरी हो गई। 1990 में चेकोस्लोवाकिया में चेक और स्लोवाकिया गणराज्य का गठन किया गया। आखिरकार 1993 में चेकोस्लोवाकिया का विघटन हो गया और चेक गणराज्य और स्लोवाकिया के नाम से दो अलग अलग देशों का जन्म हुआ। और 2003 में बॉलीवुड की मशहूर पार्श्व गायिका और हास्य अभिनेत्री उमा देवी खत्री का निधन हुआ था। हिंदी फिल्म जगत में उमा देवी टुनटुन के नाम से मशहूर थी। 13 वर्ष की उम्र में टुनटुन घर से भागकर मुंबई आ गईं और संगीत निर्देशक नौशाद अली के साथ पार्श्व गायिका के रूप में शुरुआत की। अपने फिल्मी करियर के दौरान टुनटुन ने लगभग 198 फिल्मों में काम किया। दीवाना तेरे नाम का, नमक हलाल, साजन मेरे मैं साजन की, सत्यम शिवम सुंदरम, अखियों के झरोखे से, गरम मसाला, धोती लोटा और चौपाटी, राजकुमार, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे आदि इनकी बेहतरीन फिल्में हैं। टुनटुन ने उस समय के लगभग सभी प्रमुख हास्य अभिनेताओं जैसे कि भगवान दादा, आगा, सुंदर, मुकरी, धूमल और जॉनी वॉकर के साथ काम किया। 1990 में आई कसम धंधे की टुनटुन की आखिरी फिल्म थी।